आज हम विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ में नेक्स्ट राइटर पढ़ने वाले हैं, और जो नेक्स्ट राइटर आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट, इनका नाम है जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ से पहले हमने जो राइटर्स किए हैं वो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है विक्टोरियन एज हमारे चैनल पर ही। जॉर्ज मेरेडिथ, इनका लाइफ स्पैन रहा 1828 से लेकर 1909 तक, और इनकी लाइफ की दो घटनाएं हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। पहली तो ये कि जब ये बहुत छोटी उम्र के थे, सिर्फ 5 वर्ष के थे, इनकी जो मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड, इनके लाइफ में एक इंसिडेंट यह रहा कि जो इनकी वाइफ हैं वो इन्हें सेक्सुअली बेट्रेट करती हैं, और यह सब हम इनका जो वर्क है, वॉल्यूम है मॉडर्न लव 1862 में, उसमें देखते हैं, जिसमें 50 पोएम्स हैं उनके थ्रू इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है जो इनकी वाइफ ने इन्हें धोखा दिया। इन्होंने दोबारा शादी भी की थी 1863 में, और 1909 तक इनका लाइफ स्पेन रहा था। मेरेडिथ हैं ये किड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, बट ही ग्रेजुअली इस्टेब्लिश्ड अ रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट। और जो मेरेडिथ हैं, इनके नॉवल में हम देखते हैं कि इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है, मैन और वीमेन को इक्वल माना है। और इसके साथ ही जो इनके बेस्ट वर्क हैं उनके टाइटल हैं द ऑर्डिल ऑफ रिचर्ड फेवरल 1859, और जो दूसरा इनका फेमस वर्क है वो है द ईगोइस्ट 1879। उन मेरेडिथ का स्टाइल पोएट्री और प्रोज दोनों में ही वाक्यात्मक जटिलता के लिए जाना जाता है, सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी थी इनके वर्क में। मेरेडिथ ने एडवर्ड गोल्फ्थ पीकॉक, जो कि थॉमस लव पीकॉक के बेटे हैं, के साथ कोलैबोरेट किया इन पब्लिशिंग आ लिटरेरी मैगजीन द मंथली ऑब्जर्वर। मेरेडिथ ने अपनी आरंभिक रचनाएं पेरियोडिकली पब्लिश कराई इन एन वॉल्यूम पोएम्स 1851, ये पेरियोडिकली पब्लिश कराई, और अपने ससुर थॉमस लव पीकॉक को डेडिकेट की। और टेनिसन का ध्यान खींचा इस वर्क ने इनके, और जो टेनिसन है वो इनकी प्रशंसा करने के लिए एक लेटर लिखते हैं, इनके पास भेजते हैं मेरेडिथ के, और उस लेटर में इच्छा जताते हैं कि वो मेरेडिथ से मिलना चाहते हैं। बट जब वे पहली बार मिले, मेरेडिथ कन्विंस्ड ऑफ द एल्डर पोइट्स कंसीट। अब जो मेरेडिथ हैं उन्होंने एक एलिगोरिकल अरबियन फैंटसी लिखी जिसका टाइटल है द शेविंग ऑफ शागपत। यह एलिगरी ओरिएंटल स्टोरी टेलर्स के जो स्टाइल और मैनर्स हैं उसकी इमिटेशन में लिखी गई है। जब यह बुक पब्लिश हुई 1856 में, यह इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई थी, इसने लोगों का ध्यान इतना ज़्यादा नहीं खींचा था, ना ही यह लोगों को अट्रैक्ट कर पाई थी। बट जॉर्ज एलियट, उन्होंने इस वर्क को प्रेज़ किया, प्रशंसा की, और इसे पोइटिकल जीनियस भी बताया। एंड इन द फॉलोइंग ईयर मेरेडिथ ने फेरिन पब्लिश कराया जिसका टाइटल फेरिन है, और सब टाइटल है अ लेजेंड ऑफ कोलगन। इसके बाद 1864 में इनकी एक कॉमेडी आई जिसका टाइटल है एमिलिया इन इंग्लैंड 1864 में। इसके बाद इसी का एक सीक्वल 1867 में आया था जिसका टाइटल था विक्टोरिया, बट यह जो सीक्वल है इसकी यह कॉमिक नहीं है। 1865 में रोडा फ्लेमिंग वर्क आया इनका, और जो यह वर्क है जॉर्ज एलियट की जो नॉवेल्स हैं उनकी कहानियों से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक जेंटलमैन द्वारा सिड्यूस की जाती है, ये इसमें दिखाया गया है। मेरेडिथ की कॉमेडी की जो बारीकी समझ थी वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है इनके वर्क में, इनका जो वर्क है उसमें द एसेज ऑन कॉमेडी 1877 में। मोस्ट ब्रिलियंट पीस ऑफ सस्टेन्ड राइटिंग्स, ऐसा कहा जाता है इनके इस वर्क के बारे में, एसेज ऑन कॉमेडी के बारे में। द नोवल ईगोइस्ट जो कि 1879 में है, एसेज ऑन कॉमेडी के तुरंत बाद लिखा गया था, मीन्स 1877 में एसेज ऑन कॉमेडी और 1879 में द नोवल ईगोइस्ट, द ईगोइस्ट नोवल। और यह है इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉमिक है और मोस्ट क्रिटिकली प्रेज्ड नोवल है। मेरेडिथ लिटरेरी ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करने में और उन्हें अपने नॉवेल्स में एम्प्लॉय करने में बहुत ज़्यादा योग्य थे।
जो मेरेडिथ्स के नोवेल हैं वो हैं द शेविंग ऑफ शागपत 1856 में, इनका जो अगला नोवेल है 1857 में उसका टाइटल है फरीना, और 1859 में भी इन्होंने एक नोवेल लिखा उसका टाइटल है द ऑर्डील ऑफ रिचर्ड फेवरल, जो इनका बेस्ट वर्क है। इवान हैरिंगटन 1861 में, एमिलिया इन इंग्लैंड 1864 में, और इसको रिपब्लिश कराया गया था एज सैंड्रा बेलोनी इन 1887 एमिलिया को ही। रोडा फ्लेमिंग 1865 में, जिसकी स्टोरी जॉर्ज एलियट के वर्क से मिलती है। विक्टोरिया 1867 में, जो कि सीक्वल है एमिलिया इन इंग्लैंड का। नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ हैरी रिचमंड 1871। नेक्स्ट है बेचैम्स करियर 1875। द हाउस ऑन द बीच 1877। द केस ऑफ जनरल ओपल एंड लेडी कैंपर 1877। द टेल ऑफ क्लो 1879 एंड द ईगोइस्ट 1879। नेक्स्ट इज द ट्रेजिक कमेडियंस 1880। डायना ऑफ द क्रॉसवेज 1885। वन ऑफ आर कंकरर्स 1891। लॉर्ड ऑर्मंट एंड हिज एमिंटा 1894। द अमेजिंग मैरिज 1895 एंड लास्ट केल्ट एंड सैक्सन 1910। अब बात करते हैं इनकी पोएम्स के बारे में। पोएम्स का कलेक्शन आया था 1851 में, पोएम्स। सेकंड था मॉडर्न लव 1862, द लार्क असेंडिंग 1881, पोएम्स एंड लिरिक्स ऑफ द जॉय ऑफ अर्थ 1883, द वुड्स ऑफ वेस्टरमेन 1883, अ फेथ ऑन ट्रायल 1885, बैलेट्स एंड पोएम्स ऑफ ट्रेजिक लाइफ 1887, अ रीडिंग ऑफ अर्थ 1888, द एम्पटी पर्स 1892, ओड्स इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सॉन्ग ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री 1898, अ रीडिंग ऑफ लाइफ 1901, सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ जॉर्ज मेरेडिथ 1903 ऑथर्स सुपरविजन, लास्ट पोएम्स 1909 एंड लूसीफर इन स्टारलाइट एंड डिर्ज इन वुड्स। और इनका एसेज जो थे वो सिर्फ यही था, एसेज ऑन कॉमेडी